हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं डेली डूड्स। तो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज आ पहुंचा हूं रंजीत पॉटरी, जो कि फरीदाबाद में है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि हर तरफ गमले ही गमले। जी हां, ये देखिए, हर तरफ आपको गमले ही गमले मिलेंगे। दूर दूर तक देख लीजिए, हर तरफ गमले ही गमले मिलेंगे। इधर मिट्टी का काम चल रहा है और वो भी बताऊँगा कि आखिर गमले बनते कैसे हैं, वहाँ भी काम चल रहा है। हर तरफ गमले गमले। दिल्ली NCR में जितने भी गमले जो सेल आउट होते हैं वो सारे यहीं से जाते हैं। होलसेल प्राइस पर आपको यहाँ पर गमले मिल जाते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के। तो तीन चार क्वालिटी होती है जो कि शायद आपको ना पता हो, तो वो सारी क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ। क्या प्राइस होगा वो भी बताऊँगा आपको, जिससे कि आप बाई कर सकें अच्छी क्वालिटी की, जो कि लॉन्ग लास्टिंग आपके लिए अच्छा रहे। और अगर आपने अभी तक मुझे व्लॉग चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा एक और चैनल है जो अनीश सिन्हा के नाम से है, वो डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल्स होंगे, क्योंकि वहाँ पर ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस बहुत सारे अपलोड किए हैं मैंने। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे वीडियोज़ बनाए हैं। तो आज सबसे पहला मैं जो काम करता हूँ जब भी मैं यहाँ आता हूँ, तो यहाँ आने के बाद जाके पॉट ज़रूर बनाता हूँ। तो पॉट बनाऊंगा पहले और फिर आपसे शेयर करूंगा कि कैसा बना, और फिर आपको हर पॉट की क्वालिटी आपको दिखाऊंगा और उसके साइज़ और प्राइस भी बताऊंगा। बाइंग डिटेल डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, गूगल मैप लोकेशन दे दिया है कि आप इजीली यहां तक पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। फरीदाबाद में है, नोएडा जाने में मुझे 1 घंटा लगा था। बाकी अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो 40 से 45 मिनट में आराम से आप फरीदाबाद पहुँच सकते हैं और यहाँ आके बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पॉट बनाते हैं पहले। गाइस, रंजीत जी मेरे साथ हैं और आज हम बात करेंगे कि आखिर मिट्टी के गमले बनाए कैसे जाते हैं, क्या प्रोसेस रहता है और कितना टाइम लगता है गमला बनाने में। तो ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में प्रोसेस में पहले जानते हैं, उसके बाद डिटेल में बात करेंगे। तो रंजीत जी, फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है? फर्स्ट प्रोसेस ये होता है कि मिट्टी हमारे पास लाया जाता है। हाँ, मिट्टी को हम सुखाते हैं। हाँ, फिर मिट्टी लाया गया। हाँ, मिट्टी ये हमारा है। हाँ, मिट्टी की इसको ला करके इसको सुखाया जाता है। मिट्टी कहाँ से लाते हैं? मिट्टी ये सोना या रोहतक साइड से आता है। अच्छा, ठीक है। वहाँ से आने के बाद इसको यहाँ फैलाते हैं, सुखाते हैं लेबर लोग। हाँ। उसके बाद इसको तोड़ के हम गड्ढे में गालाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास मशीन लगी हुई है। क्या बोला आपने, इस मिट्टी को लाके पहले फैलाया, सुखा लिया, उसके बाद इसको हम तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद इसके पास हमारे पास कुछ गड्ढे बने हुए हैं। उस ये है, यहीं पे है। आइए आगे से देखिए, तो ये गड्ढा है। हाँ, ये तो यहाँ इसमें मिट्टी को गलाया जाता है, इसमें तो लाके यहाँ पर डंप कर दिया जाता है। अच्छा, फिर मिट्टी यहाँ पे कितने दिन तक रहती है? इसमें मात्र 5 या 7 घंटे तक रहती है। अच्छा, फिर मिट्टी सारा का सारा निकाल लिया जाता है। इसके बाद देखो जिस तरह ये लोया बन रहा है, इस तरह बनाना पड़ता है। ठीक है, ये वाला प्रोसेस हो रहा है। ओके ओके। हाँ, ये किस क्या मिक्स कर रहे हैं? मिक्स इसमें कुछ नहीं है, ये बारीक मिट्टी है, उसी मिट्टी का ये बड़ा होता है जो गल जाता है, ये बारीक जो होता है इसको अलग निकाला जाता है ताकि इसको टाइट करने के लिए मिट्टी को। हाँ जी। उसके बाद यहाँ से हमारे पास जो मशीनें लगी हुई है उसमें तैयार करते हैं। आ जाओ, ये हमारे मशीन जो लगी हुई है, वहाँ से मिट्टी लाने के बाद इसमें हम डालते हैं। अच्छा, इसके अंदर? हाँ, ये मशीनें लगी हुई है, इसमें डालते हैं, यहाँ पिसाई होती है इसकी। अच्छा, इसे पिसाने के बाद हमारे पास जो गोंदा बन जाता है, जो लोया होता है। हाँ। उसके बाद हम गमले तैयार करते हैं ये चाक पे। अच्छा,
ये लोया। हाँ ये लोया तैयार होता है, ये मशीन से आते हैं तो इतने फिक्स होता है हमारा। अच्छा, जो हमारे कितने साइज का ऊपर कितने डिफेंस किया जाता है कि इतना बड़ा हमारे गमला बन जाता है वो होने के बाद। हाँ, यहाँ आने के बाद ये यहाँ पे बन जाता है। ये देखिए, और इसके बाद आता है ये, यहाँ पे इस पे हम बनाते हैं। इसके बाद यहाँ से बनना चालू होता है, फिर यहाँ से कहाँ जाता है? यहाँ से फिर हमारे यहाँ बाहर सूखने के लिए डाल देते हैं। हाँ, बन के रख के हम यहाँ बाहर सुखाने के लिए डाल देते हैं। ठीक है, ये 2 से 3 दिन में सूख जाएगा। ये 2 से 3 दिन सूखेगा? सूखेगा। फिर उसके बाद? उसके बाद चौथे या पांचवें दिन में हम भट्टी में इसको पका देते हैं। तो भट्टी आपका वहाँ? भट्टी वहाँ पे लग रहे हैं, वो 2 भट्टियाँ। हाँ हाँ जी। और वहाँ पर कितनी देर तक पकता है? ये 5 घंटे में पकते हैं। अच्छा, 4 से 5 घंटे के बीच में पक जाता है। लकड़ी को वगैरह डाल? लकड़ी है, लकड़ी का बुरादे जो होता है उससे पकाते हैं। अच्छा, और फिर वो पकाने के बाद वहाँ से निकालने के बाद पेंट होता है? उसने नहीं, पहले ही पेंट, पहले पेंट पहले हो जाता है जब ही भट्टी में डालते हैं। ये पेंट किया हुआ है कच्चे गमले पे। अच्छा, ये कच्चे गमले पे पेंट किया हुआ है। हाँ, ये फिर यहाँ से भट्टी में जाएगा। भट्टी में पकने के बाद हमारा पोक से जो होता है वहीं लग जाता है। हाँ, ठीक है, वहीं से। हाँ, सारे जो है वो पके हुए गमले हैं। और एक गमला लगभग, अगर मैं बात करूँ पूरा प्रोसेस होने में, समझ लीजिए एक लॉट निकाला आपने। हाँ, ठीक है, अब उस लॉट को रख, मतलब कि वहाँ मिट्टी से लेके सारा होने कम से कम एक गमले के ऊपर एक घंटा। और दिन कितने लग जाते हैं लगभग सबको तैयार होते होते? सबको तैयार होते होते एक गमला का अगर निकाला जाए तो कम से कम 4 या 5 दिन। पाँच दिन कम से कम। ओके, इतना आसानी ऐसा नहीं कि मैं आके बोलूँ? नहीं, ऐसा नहीं। और वो भी मौसम के, हमारे तो मौसम के ऊपर है। मौसम अगर ठीक ठाक होता है तो 4 से 5 दिन तक लगते ही है। ये बात आपने अच्छी बताई कि मौसम पर बहुत डिपेंड करता है। अगर धूप है तो 5 दिन, तब वो 5 दिन लगेगा जी। अगर बारिश हो गई या बाकी कुछ हुआ फिर तो वो टाइम और ज्यादा बढ़ सकता है। और ठंड में तो शायद ठंड में तो हफ्ते दिन से भी ज्यादा लग जाता है। हफ्ते से भी, आप सोच सकते हैं कि इतना आसान नहीं है काम। नहीं। तो गाइज, ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही बेसिक गमले जो हम स्टार्टिंग से यूज करते हुए आ रहे हैं। आप जब भी आप नर्सरीज वगैरह में जाते हैं तो आपको इस तरह के गमले ही मिलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी बेसिक गमले हैं, कोई डिज़ाइन नहीं है, नथिंग कुछ नहीं है इसमें, बस एक प्लेन डिज़ाइन के साथ बनाया जाता है ये गमला। और उसी में से अगर आप ये जो देख रहे हैं ये 14 इंच का गमला है, और 14 इंच का गमला मतलब अच्छा खासा गमला होता है मिट्टी का। और इसकी जो प्राइसिंग लगभग होती है वो होती है 70 रुपये के आसपास मिल जाती है 14 इंच के गमले। इसी के साथ में एक छोटा गमला है, ये देखें थोड़ा इसे, ये 12 इंच का है, ये लगभग आपको 35 रुपये में मिल जाता है। इसी के साथ में एक छोटा और है, सिंपल प्लेन डिज़ाइन है, 10 इंच का है, वो आपको 25 रुपये में मिल जाता है। और 8 इंच का पॉट है ये जो देख रहे हैं आप, ये 8 इंच का है और ये आपको मिल जाएगा 20 रुपये में। और 6 इंच का जो पॉट है ये आपको मिल जाएगा 15 रुपये में। 6 इंच का जो होगा वो 15 रुपये मिल जाएगा, और जो ये 4 इंच का है वो आपको 6 रुपये में मिल जाता है। तो मतलब काफ़ी सस्ता है। ये तो नॉर्मल डिज़ाइन है वाले गमले जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं, तो ये आप बाई कर सकते हैं। और आपको एक जो डिज़ाइनर गमले होते हैं और वो भी दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे डिज़ाइनर गमले हैं, जिसमें थोड़ा डिज़ाइन है और देखने में भी काफ़ी मज़बूत लगते हैं। आप देखिए इसकी जो थिकनेस है वो काफ़ी अच्छी है, स्टडी है। आप आराम से इसमें लॉन्ग टर्म तक प्लांट्स आप लगा सकते हैं, चलते हैं लॉन्ग टर्म तक। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये मटका शेप में, और ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये वाले, ये है स्ट्रेट्स बिल्कुल, जो अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा जगह ना ले, ये वाले होम डेकोर में यूज़ होते हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं आप, ये होम डेकोर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं होम डेकोर के लिए। अगर आप बालकनी वगैरह में लगाना चाहते हैं तो इस तरह के गमले बहुत ज़्यादा ट्रेंड करते हैं, क्योंकि इसमें जगह कम लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेट है ये। अब देखिए ये स्ट्रेट है। आप तो मैं इनकी प्राइसिंग आपको दिखा देता हूँ और आपको अंदाज भी लग जाएगा कि कितना बड़े बड़े हैं ये। ये तो सामने जो देख रहे हैं ये 12 इंच का गमला है, और आइए दिखाता हूँ आपको प्राइसिंग। तो गाइस, जब मैं बात कर रहा था ये अगर 12 इंच का गमला है और ये स्ट्रेट में है, तो जो बालकनी वगैरह में हम लगाने के लिए यूज़ करते हैं वो स्ट्रेट वाले ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि जगह कम लेता है ये। अगर मटका शेप में लेते हैं तो वो जगह थोड़ा ज़्यादा लेता है, जैसे मैं बता रहा था आपको। तो अगर आप ये लेते हैं 12 इंच का, काफ़ी थिक सा है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा सा है, तो ये आपको मिल जाता है 70 रुपये का।
और सेम अगर आप मटके शेप में लेते हैं तो भी प्राइस आपको सेम मिलता है आपको 70 रुपये का। सेम अगर आप इसमें लेते हैं 10 इंच में तो आपको 50 रुपये का मिलता है 10 इंच का डिज़ाइनर, और सेम मटका 50 रुपये का। प्राइस दोनों का सेम ही होगा जो डिज़ाइनर है, और ये 8 इंच का है, जो 8 इंच का है वो 40 रुपये का मिल जाता है, ये आपको 40 रुपये में मिल जाएंगे। सेम अगर छोटा अगर लेते हैं आप तो 6 इंच का है ये, तो ये आपको 20 रुपये में मिल जाते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं बोंसाई पॉट वगैरह या दही जमाने वाला, जो अब हम वो बात करते हैं इसमें दही जमाते हैं, तो बोंसाई की तरह भी यूज़ होता है जिसको हम चाली के नाम से भी जानते हैं, ये आपको 50 रुपये से मिल जाता है। और जो छोटे वाले होते हैं वो सस्ते हो गए तो 25-30 रुपये में मिल जाते हैं ये वाले, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो लगभग मैंने आपको सारी डिज़ाइन दिखा दिए, प्राइस बता दिया और काफ़ी अच्छे हैं, तो आप यहाँ आके बाय कर सकते हैं। गाइज अगर ज़्यादा कुछ जानना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर सारी डिटेल्स मैं आपको देता रहता हूँ, तो वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आप मुझे मेरे ट्रैवलिंग चैनल पर को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उस पर भी बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं। तो गाइज आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यहाँ तक पहुँचना है तो रावल इंटरनेशनल स्कूल जो है, आप गूगल मैप में डालेंगे रावल इंटरनेशनल स्कूल फरीदाबाद, तो आप बिल्कुल यहाँ तक पहुँच जाएंगे। जस्ट उसके साथ से एक कच्चा रास्ता अंदर की तरफ जा रहा है, बस थोड़ा सा आप अगर 100 मीटर अगर अंदर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको ये एरिया दिख जाएगा। ये जो देख रहे हैं ये रहा जो पेड़ वगैरह दिख रहा है, बस इसी के पीछे है रावल इंटरनेशनल स्कूल, वो सामने आपको दिख रहा होगा, बस इसके सामने ये है, तो आप इजीली यहाँ तक पहुँच सकते हैं। 100 मीटर अंदर आप थोड़ा सा अगर अंदर आएंगे तो आप इजीली यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।